अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजधानी जयपुर में कार्यालय पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जोशी ने आगे कहा कि राजस्थान की सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट करती है, नववर्ष की शोभा यात्रा निकालना इनको रास नहीं आता। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की जनता आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। कई धर्म विशेष को और मंदिरों को टारगेट किया हुआ है। कौन को आगे क्यों कर रहे हैं? कभी सीकर में राम दरबार को तोड़ते हैं तो कहीं अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ते हैं। आप देखिए कि इनको नववर्ष का शोभा यात्रा निकालना पसंद नहीं आता, इनको रामनवमी का जुलूस निकालना ठीक नहीं लगता, इनको प्रभु श्री राम के नारे लगाए तो उन पर केस दर्ज कर दिए जाते हैं, वहाँ भगवा पताका कोई लगाए तो उसको। अरे उदयपुर में जहाँ महाराणा प्रताप ने भगवा पताका लेके मुगलों को परास्त किया, कभी समझौता नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस भगवा पताका लगाने के लिए उदयपुर में प्रतिबंध। ये राजस्थान है या तालिबान है, मुझे समझ में नहीं आता। कि आप देखिए कि वहाँ कैसे कन्हैया जी की हत्या होती है, उससे पहले वो पुलिस में जाते हैं मुझे सुरक्षा दी जाए, पुलिस उसको सुरक्षा नहीं देती है, उनकी हत्या हो जाती है, हत्या के बाद उनके हत्यारों को पकड़ने में जो लोग सहयोग करते हैं पुलिस को पकड़ाने में, वो पुलिस के पास जाते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, तो उनको प्रशासन कहता है कि आपको पकड़ने के लिए किसने कहा। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का रवैया जानबूझकर एक धर्म विशेष को टारगेट किया, जबकि सद्भावना और प्रेम वाला प्रदेश रहा है, हर धर्म मजहब के लोग अपना त्यौहार धूमधाम से मनाते थे, सब लोग एक दूसरे को बधाई शुभकामना देते थे, लेकिन ऐसी क्या नज़र लग गई राजस्थान को, जानबूझकर किसको खुश करने के लिए राजस्थान की सरकार इस प्रकार से धर्म विशेष पर टारगेट करके काम कर रही कि इनका त्यौहार नहीं मनना चाहिए। आप कोटा में PFI का जुलूस निकलता है कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकले, इस प्रकार का प्रतिबंध? आप कैसे इस प्रकार से जयपुर बम ब्लास्ट में, आप देखिए एक आतंकवादी 21 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के खड़े कर सकते हैं, राजस्थान सरकार किसको खुश करने के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं करती है, डबल AG उनका अपीयर नहीं होता है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और किसको और किसके दबाव में, किसके प्रभाव में, किसको खुश करने के लिए सरकार काम कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस साल हेल्थ फॉर ऑल की थीम पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के अमर जवान ज्योति पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी स्वाइमान सिंह, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा भी मौजूद रहे। मैराथन दौड़ से पहले दौड़ में शामिल नर्सेज, नर्सिंग स्टूडेंट और आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का आह्वान भी किया गया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर लागू की गई घोषणाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित फैशन शो ग्लैमर डिस्टेंसन फेरोंडेस की लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। बॉलीवुड एक्टर्स उर्वशी रोतेला और मिस्टर वर्ल्ड व मिस्टर इंडिया रह चुके रोहित खंडेलवाल ने सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर शिरकत की। वहीं जयपुर सर्स डेयरी के चेयरमैन ओम पूनिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उर्वशी व रोहित ने फीता काटकर इस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल ओपनिंग की। इसके बाद दोनों ने इस एकेडमी का विजिट किया, टीम के साथ फोटो सेशन भी किया। इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पार्थ ने बताया कि एक मल्टी फैसिलिटी फैशन डिस्टेंशन है जिसमें फैशन डिजाइनिंग,
फैशन मॉडलिंग, इवेंट मैनेजमेंट, एयर होस्टेस जैसे अलग अलग कोर्सेज करने का मौका मिलेगा। इस अकेडमी में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए कैंडिडेट्स को प्रतिभावान व कौशल्य युक्त बनाया जाएगा। इस अकेडमी का उद्देश्य फैशन व ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए नए स्किल्स व योग्य प्रतिभाओं को तैयार करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आउटडोर अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स इस अकेडमी की मुख्य USP है। राजस्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने इनको पहले भी बताया कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं राजस्थानी हैं, सो माय ब्लड इज़ आल्सो माय ग्रेट ग्रैंडफादर दे वर राजस्थानी फ्रॉम राजस्थान, सो एक अपना घर जैसा फीलिंग आता है यहाँ पे। आई थिंक मेरे ग्रैंडफादर राजस्थान से ही है। हाँ, मैं बचपन में या तो बचपन तो मुझे मकराना से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता अध्यक्ष श्रीमती कुमकुम तादुका विधिक सेवा समिति अपर जिला व सेशन न्यायाधीश मकराना के निर्देश अनुसार आज विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता लतत हुसैन हनीफी मकराना ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत राजकीय चिकित्सालय मकराना के सामने आमजन का विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया, जिसमें पैनल अधिवक्ता हनीफी ने आमजन जनता को कहा कि बाल विवाह सामाजिक अपराध है। अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम है या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो वो बाल विवाह कहलाएगा। ऐसा शादी की कानूनी में मनाही है। ऐसा किसी शादी के में कई कानूनी परिणाम हो सकते हैं। जो भी बाल विवाह संपन्न करे या करवाए उसे पंडित, मौलवी, माता पिता, रिश्तेदार इत्यादि उसे 2 साल तक की कड़ी सजा व 1,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। आबू रोड से खबर, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा विभाग द्वारा भवनीश बारोट को जिला अध्यक्ष व डॉक्टर शेर मोहम्मद को ओबीसी विभाग नगर अध्यक्ष आबू रोड व हुसैन मोहम्मद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आबू रोड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। जिला अध्यक्ष भवनीश बारोट, नगर अध्यक्ष डॉक्टर शेर मोहम्मद व ब्लॉक उपाध्यक्ष हुसैन मोहम्मद का माला व साफा पहनाकर बहुमान किया गया। मुस्लिम समाज के युवाओं में खुशी की लहर व काफी उत्साह का माहौल है। जोधपुर से खबर, जहां जोधपुर में क्रिश्चियन सोसाइटी द्वारा गुड फ्राइडे के दिन सेंट एंड्रयूज हॉल सरदारपुरा में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। रक्तदान शिविर के लिए महात्मा गांधी अस्पताल ब्लड बैंक का भी सहयोग लिया गया। शिविर का प्रारंभ धर्म गुरुओं की प्रार्थना से हुआ। रेव्यू क्रूस लॉयल, रेव्यू विक्रम मसीहा, रेव्यू जोएल पैट्रिक व रेव्यू अजीत फ्रांसिंग और रेव्यू स्टीफन सैमसन आदि ने मुख्य रूप से उपस्थित थे। सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर नवीन डेविड ने बताया कि मात्र 2 घंटे 45 मिनट में कुल 1111 लोगों ने रक्तदान दिया। कम समय में अच्छा योगदान है। रक्तदान करने से धर्मगुरु ने भी रेव्यू क्रूस लॉयल व रेव्यू स्टीफन सैमसन और अपना रक्त देकर सभी का हौसला बढ़ाया। आबू रोड के शिवाजी कॉलोनी गांधीनगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक शाम इच्छापूर्ण बालाजी के नाम भजन संध्या का विशाल आयोजन हुआ, जो हनुमान जी के पुजारी बनाराम महाराज के सानिध्य में हुआ। भजन संध्या का आगाज गणपति वंदना से हुआ। इसके बाद गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर समा बांधा। पिंडवाड़ा से खबर है, जहां सांदवाड़ा हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर गुरुवार को 4 बजे गांव में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा गांव के सांवलाजी मंदिर परिसर से प्रारंभ होते हुए मुख्य मार्ग कुंभारवाड़ा रेबारी वास होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में एक युवक जय श्री राम व हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए चल रहा था। महिलाएं भगवान के मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। ढोल ढमाकों के आगे युवाओं ने नृत्य किया। शोभा यात्रा में युवाओं के हाथ में भगवा ध्वजा लिए हुए चल रहे थे। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान।